मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़के के चले जाने की वजह से तुम इतने क्यों गुस्से में हो। आखिर कौन सा वो तुम्हारे काम आने वाला था? अगर वो मेरे काम का ना होता तो इतना अरसा संभाल कर उसे अपने पास ना रखता, उठाकर फेंक देता। मतलब वो तुम्हारे काम का था? महमूद, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ ना, आज तक मैंने तुम्हारे मुंह से उस लड़के का जिक्र कभी नहीं सुना। वो चला गया है तो पता नहीं क्यों इतना अहम हो गया। हैरत मुझे इस बात की नहीं है कि वो चला गया, इस बात की है कि मुझे बताए बगैर चला गया। इतना बड़ा फैसला उसने खुद ही कर लिया। ऐसी कौन सी नौकरी लग गई है उसकी जो वो अकेले सुलेखा का बोझ भी उठा सकती। हाँ, यहाँ तुमसे गलती हुई है। तुम्हें उस लड़के की नौकरी का कम से कम पहले से तफसीलात सारी ले लेनी चाहिए थी। मगर महमूद, तुमने तो कहा था कि वो कुछ खास पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो कर रहा होगा कोई छोटी मोटी नौकरी। उसे चपड़ासी की नौकरी मिली हो या मैनेजर की नौकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अच्छा बाबा, रिलैक्स। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम उस मामूली से लड़के के लिए इतने परेशान रहो। मैंने तुमसे अमीन के बारे में कुछ बात करनी है। बात तो मैंने भी तुमसे कुछ करनी है। वो क्या? मुझे किसी ऐसे भरोसामंद बंदे का बंदोबस्त करके दो जो वरीशा के ड्राइवर के तौर पर काम करे और उसकी पल पल की खबर रखे। सोने की चिड़िया के उड़ जाने का गम अभी से है? सोने की चिड़िया के उड़ जाने के खौफ में नहीं, उसे गिद्धों से बचाने की फिक्र है। सतेली औलाद की इतनी फिक्र? कुछ बात समझ में नहीं आई। इतने जाने माने बिजनेसमैन की बीवी हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझती। वरीशा मेरी सालों की इन्वेस्टमेंट है, मुनाफा कमाने का वक्त आया तो फिक्र तो बनती है। बिल्कुल करनी चाहिए। अमीन को भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो, मगर मेरे रेफरेंस से नहीं, अलहदा से। उसे धनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि मैं और तुम एक दूसरे को जानते हैं। परी जी, किसी को भनक नहीं पड़ेगी कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ और तुम मेरा। समझो तुम्हारा काम हो गया, अब बातों से ही पेट भरोगी या कुछ खाने को भी मिलेगा? मिलेगा, डिनर रेडी है। चलो चलो। मुख्तार भाई, हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए भाभी, आइए आइए। वरीशा आओ। आप बिजी तो नहीं हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना थी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप, बताइए क्या बात? मुख्तार भाई, वो वरीशा ने अजीब जिद बांध रखी है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, ये जो कह रही है वो करना इतना आसान नहीं होगा, मगर ये मेरी बात सुनने को राजी नहीं है। मैंने ऐसी भी कोई जिद नहीं की है बड़े पापा, बस यही कहा है कि मुझे आगे पढ़। मामा इस बात को मान ही नहीं रही हैं। हद हो गई वैसे। परीक्षा आगे पढ़ना चाहती है, बजाय इसके कि आप उसको सपोर्ट करें, आप उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आ गई। तो मुख्तार भाई, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जानते हैं आजकल तालीम कितनी महंगी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैंने महमूद की नजरों से बचाकर वरीशा को बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था मुख्तार भाई, मगर महमूद ने अयाशियों में सब कुछ उड़ा दिया। तो उसकी वजह से मुझे इसकी पढ़ाई का सिलसिला खत्म करना पड़ा। अब बस यही कुछ जेवर है मेरे पास, जो महमूद की नजरों से बचाकर मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा है। लेकिन देखे ना, ये जिद कर रही है कि ये जेवर बेच कर ना मैं इसका एडमिशन करवा दूँ। अब देखे मुख्तार भाई,
अगर मैंने ये जेवर बेच दिया तो आगे इसको ब्याहूंगी कैसे? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस जेवर को आप अपने पास रखिए, परिशा मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है, इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना आप मेरा फर्ज है, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। नहीं नहीं मुख्तार भाई, मेरा तो कुछ था वो। पुरानी बातों को भूल जाइए और नई जिंदगी के सफर का आगाज कीजिए। अरे भाई, खुशियों पर वरिषा का भी तो हक है, और मैं जानता हूं कि इसने अपनी पिछली जिंदगी बहुत महरूमियों में गुजारी है, और अब इसकी हर खुशी को पूरा करना मेरा फर्ज है। बताओ वरिषा बेटा, किस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है? बताओ। डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आजकल काफी स्कोप है ना उसका, इसीलिए मैं चाह रही थी कि पढ़ लूं। अरे भाभी, वहाज ने भी इसी में ग्रेजुएशन की, और जिस यूनिवर्सिटी से वहाज ने ग्रेजुएशन की है उसका डीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट बल्कि शिफा भी वहीं से पढ़ रही है। मैं बात करता हूं उनसे। थैंक यू बड़े बाबा, थैंक यू सो मच। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूं, लेकिन वो एक मसला है ना उसके अंदर, वो ये है कि हर वक्त डैड की लड़ाइयों की वजह से घर का माहौल ही इतना डिप्रेस रहता था कि मैं पढ़ ही नहीं सकी, इसलिए मेरी अच्छी परसेंटेज नहीं आती थी। दरअसल मुख्तार भाई, महमूद ना इसकी किताबें फाड़ दिया करता था। मेरी बच्ची जितना छुप छुप कर पढ़ती रही बस उतना ही। उस जैसे शख्स से यही उम्मीद। परीक्षा बेटा, एक बात याद रख, जब अल्लाह की ज़ात मुश्किलें देती हैं तो उसने साथ में आसानी का भी वादा किया, इसलिए अल्लाह की ज़ात से मांगो और खूब दिल लगा कर मांगो, और यकीन रखो कि तुम्हारी ख्वाहिश से कहीं ज्यादा वो तुम्हें देगा। अब मुख्तार भाई, हमारे लिए तो आसमान पर खुदा और जमीन पर आप ही हैं, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं, इसमें एहसान की क्या बात। परीक्षा बेटा, इधर आओ मेरे पास। परीक्षा मेरी बेटी है, और इसका भी तो खुशियों पर हक है। यह हक मेरी बेटी से कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर खुशी को तुम्हारे बड़े पापा पूरा करेंगे, और ये वादा है मेरा तुमसे। मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। मैं चले, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे दीजिए। चलो चलो।